शुद्ध जल मोती की गेती में पीएच का महत्व। 50 लीटर बाहर से देखने वाले बाल्टी में 5 सीपी के परमानेंट जैसे गेती करने के लिए 18 महीनों उगाया जा सकता है। ये करने का शुद्ध पानी चाहिए 5.5 पीएच होना। पानी हम 7.9 पीएच इसे पानी में बदलना चाहिए। टेरेस बिल्डिंग में शुद्ध जल मोती का निर्माण गेती कर सकता है। भारत के सभी हिस्सों से ये बाल्टी देखना सकता है। पानी का पीएच बदलने के लिए एक तरीका है, नारियल कोयला से निकलने वाले अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट में बदलना चाहता है। साइप्रस प्लांगन के विसर्जियों को अमोनिया आगीकरण करने सकते वाले हैं। 1 kg नारियल कोयला को 1 kg अमोनिया को आगीकरण करते हैं। आगीकरण किए गए अमोनिया ऊपर उठकर बुलबुल बढ़ते फट जाता है। फटने वाले अमोनिया वातावरण में लीन हो जाता है। बुलबुल फटते समय उसमें गंध हमें मिलता है। बाद में बचते नाइट्रेट और नाइट्रेट एक न्यूट्रिशन के रूप में क्लोरेला आगिन को आहार में लाता है। क्लोरेला आगिन साइप्रस प्लांगन को आहार बनता है। साइप्रस प्लांगन के बटफन 2 मिलीग्राम वाला एक मोराकस परिवार की सदस्य है। एक शुद्ध जल जीवी है। यह गाने से पानी में लेने वाले क्लोरेला आगिन का उत्पादन होता है। उसका उत्पादन 24 घंटों के अंदर एक कोष घटना घट जाता है। यह हमेशा एक कोष जीवी बदलने के साथ साथ विभाजन भी होता जाता है। यह आगिन प्लैंगनों का घटना बन जाता है। यह एक प्रगतित आहार है, इसलिए इस पालने के लिए फायदा अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। यहाँ आप गेती करना चाहता है वहाँ 50% शेड अवश्य होता जरूरी है। यहाँ न बहने वाली पानी इसका बांटने का अनुकूल वातावरण है। यह हमारा नदियों में और तालाबों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली साइप्रस गाकर स्वाभाविक रूप से सिप्पी जीते हैं। एक सिप्पी का बफतन सिर्फ 0.5 है। साइप्रस प्लांगन से सिप्पी में आरोग्रेट उत्पन्न नैक्रिक नाम पदार्थ सिप्पी का बाहर छिलके भीतर भाग पॉलिश कर रहा है। प्रतिकूल अवस्था में यह सिप्पी डुमक डुमक कर शुद्ध जल में चलती है। वहां का आहार स्वीकार करके और शुद्ध जल की अवस्था में जीते हैं। गहरा पानी में सिप्पी नहीं जीता।